आदमी को पढ़ाई देखकर नहीं, उसकी डिक की लंबाई को देखकर जॉब देती है। तो दोस्तों, फाइनली सिनी प्राइम की वेब सीरीज रजनीकांत का सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज हो गया है, जिसमें रिधिमा तिवारी ने मजेदार कांड किए हैं। सीजन 1 के चारों एपिसोड हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको वेब सीरीज का पूरा मजा आ सके। सीजन 2 में रजनी ने पहले सीजन से भी ज्यादा कांड किए हैं, तो चलिए जानते हैं रजनीकांत के सीजन 2 एपिसोड 1 के कांड के बारे में। वेब सीरीज के शुरुआत में दिखाया जाता है ऑफिस में एक प्यून और एक कामवाली एक दूसरे से गंदी बातें कर रहे होते हैं। प्यून कामवाली बाई से कहता है, बरसों बाद आज लिपस्टिक चखने का मजा आ गया डार्लिंग। तो कामवाली बाई कहती है, अच्छा पर वो कैसे? तो प्यून कहता है, 250 रुपए की लिपस्टिक खरीदी और चखी। तो कामवाली बाई हंसती है और कहती है, क्यों रे चमन, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्या कभी? अभी भी तू क्या हैंडपंप से ही काम चला रहे है क्या? और उस पर हंसने लग जाती है। तो प्यून कहता है, मैं जो भी लड़की को पसंद करता हूँ उनका चक्कर किसी और के साथ पहले से ही चल रहा होता है। तो कामवाली बाई कहती है, लगता है तेरे में दम नहीं है इसलिए लड़कियां तेरे साथ नहीं रहती। तो प्यून कहता है, एक बार मौका देके तो देख, तुझे मैं दम दिखाता हूँ मेरा। तो कामवाली बाई कहती है, तेरा हथियार भी तो ठीक ठाक होना चाहिए ना दम दिखाने के लिए। तो प्यून कहता है, एक बार हाथ लगा के तो देख फिर मेरा हथियार कैसा खड़ा होता है। तो कामवाली बाई कहती है, मेरा करंट लग गया ना तो तेरा हथियार ब्लास्ट हो जाएगा रे। इनकी ऐसी गंदी बातें रिसेप्शनिस्ट सुन लेती है और उन्हें डांटती है कि तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या ऐसी फालतू की घटिया बातें करने आते हो, चलो जाकर अपना काम करो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक स्मार्ट लड़का ऑफिस में जॉब इंटरव्यू देने के लिए आता है। रिसेप्शनिस्ट जब उसे देखती है तो देखते ही रहती है और उसे लाइन मारने लग जाती है, पर लड़का अपने फाइनेंशियल टेंशन में होता है। मकान मालिक का किराया उसे देना होता है। आज ही मकान मालिक उसे धमका कर गया होता है कि तेरे बहन की शादी के लिए मेरे से तूने पैसे लिए वो अभी तक नहीं दिए, ऊपर से तो घर का किराया भी इतने दिनों से नहीं दे रहा है, आज अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तेरे बहन के साथ पूरा सामान उठा ले जाऊंगा, बहुत हरामी किस्म का इंसान हूं मैं। तो स्मार्ट लड़का उसे कहता है कि आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, एक बार मुझे जॉब मिल गई तो सारा कर्जा चुका दूंगा। ये सोचते हुए वो लड़का ऑफिस में बैठा हुआ होता है। फिर रिसेप्शनिस्ट बॉस को कॉल करती है और कंपनी की नई बॉस रजनी होती है, जो एक ऑफिस बॉय को अपनी गुफा में मुंह घुसाड़कर बैठी हुई होती है। फिर वो लड़का गुफा से मुंह निकालकर सुअर की तरह शक्ल लेकर रजनी से कहता है, मजा आ गया मैडम। तो रजनी कहती है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है तुम्हें। तो लड़का कहता है, हाँ मैडम बस आप ऐसे ही सिखाते रहिए, फिर देखना एक दिन मेरे बंदूक से ऐसा घाव मारूंगा कि आप सिर्फ मेरा ही नाम लेते घूमूंगी। तो रजनी कहती है, ठीक है अब तुम निकलो यहाँ से और रिसेप्शनिस्ट से अपनी सैलरी और एक्स्ट्रा पेमेंट भी ले लेना। फिर रिसेप्शनिस्ट रजनी से कहती है, मैडम इंटरव्यू के लिए एक लड़का आया है उसे भेजू क्या? तो रजनी कहती है, भेज दो। लड़का रजनी के केबिन में आता है तो रजनी भी उसे देखते ही रहती है। फिर लड़का अपनी डिग्रियां दिखाता है और कहता है, मैडम मैंने मास्टर्स किया है। तो रजनी कहती है, मेरे कंपनी में डिग्रियां देखकर नहीं डिक की लंबाई देखकर नौकरी दी जाती है, और लड़के के हथियार को टच करती है। लड़का कहता है, मैडम ये क्या मजाक है? तो रजनी कहती है, बेटा ये मजाक नहीं है ये मजा है, अगर नौकरी चाहिए तो पैंट उतारनी ही पड़ेगी। लड़का कहता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। तो रजनी कहती है, मुझे देखकर सभी लड़के अपनी पैंट की चेन को हाथ लगाते हैं। तो लड़का कहता है, मैं उनमें से नहीं हूं। तो रजनी कहती है, सफलता के लिए मर्यादा तोड़नी पड़ती है, नहीं तो जीते रहो कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी, और जिनके पास पैसे नहीं होते ना लोग उनकी सलामी को भी जवाब नहीं देते, सोच लो नौकरी चाहिए या नहीं। लड़के को अपने घर मालिक की धमकी याद आ जाती है और वो अपनी पैंट खोल देता है। फिर रजनी घुटनों के बल नीचे बैठकर उसका केला चूसने लग जाती है और उसे कहती है, मजा आ गया, तुम्हारी सैलरी अब से 1,00,000 रुपए महीना। तो लड़का कहता है, मेरी पोस्ट क्या है? तो रजनी कहती है, रोज 3 बार मेरी जमकर ठुकाई करनी होगी, यही तुम्हारी पोस्ट है। और उसे कहती है, मेरी उम्र छोड़कर बाकी सब 36 है, तुम्हें मजा आएगा, देखना है तो चेक करके देख सकते हो। तो लड़का रजनी को झुकाकर जमकर लेता है। फिर दूसरे दिन लड़का मिठाई लेकर आता है और सबको खिलाता है। प्यून को मिठाई का बॉक्स देता है तो प्यून कहता है, बड़ा खुश हो रहा है, कुछ दिन के बाद जब सीसक सीसक के रोएगा ना तब तुझे समझ आएगा कि क्या गेम होता है। फिर लड़का रजनी के केबिन में जाकर रजनी को ऑफिस के टेबल पर बिठाकर उसके पैर चाट रहा होता है। तभी रजनी कहती है, जंगल तुम्हारे पैरों के बीच में भी है और जंगल मेरे पैरों के बीच में भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे जंगल में शेर है और मेरे जंगल में शेर की गुफा। तो लड़का कहता है, शेर गुफा में आराम नहीं करते, शेर तो गुफा को बड़ी करते हैं। और फिर लड़का रजनी के गुफा में मुंह घुसाड़कर दहाड़ने लगता है।
और फिर उसी टेबल पर रजनी को हर एक पोजीशन में जमकर मरोड़ देता है और रजनी चिल्लाते हुए मजा लेती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब रजनी कांड के सीजन 2 के अगले एपिसोड में क्या क्या कांड होते हैं हम जल्दी जानेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको रजनीकांत सीजन 2 की स्टोरी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे स्टोरीज आपके लिए एक्सप्लेन करते रहे। धन्यवाद।